गोरखपुर में खेलो इंडिया खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स के 2000 मीटर के रोइंग प्रतियोगिता में विजयी खिलाड़ियों को स्वर्ण कांस्य व रजत पदक से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि खेलो इंडिया खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स की 2000 मीटर की रोइंग प्रतियोगिता में 27 मई से देश के 28 राज्यों के यूनिवर्सिटी से 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें 2000 मीटर की प्रतियोगिता में महिला व पुरुष खिलाड़ियों ने अपना कौशल दिखाया, जिनको उनकी योग्यता के आधार पर स्वर्ण रजत व कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए रोइंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल पाने वाली पंजाब यूनिवर्सिटी की खिलाड़ी गुरबानी कौर ने कहा कि गोरखपुर में खेलो इंडिया की रोइंग प्रतियोगिता के 2000 में गोल्ड जीता है, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। यहां का रामगढ़ ताल का वाटर लेवल बहुत अच्छा है, यहां पर रोइंग को बढ़ावा दिया जा सकता है और यहां पर नेशनल लेवल की प्रतियोगिता कराई जा सकती है, जिससे खिलाड़ियों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा, मेरा आगे का लक्ष्य ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का है। वहीं पंजाब यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल जीतने वाली पूनम ने कहा कि यहाँ का वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छा बना है, यहाँ पर रोइंग को बढ़ावा दिया जा सकता है। हम लोगों को यहाँ पर अच्छी व्यवस्था दी गई है, यहाँ पर रामगढ़ ताल में बड़ा प्रतियोगिता करवाया जा सकता है। यहाँ के यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। इससे यहाँ के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, गोल्ड मेडल पाने वाले खिलाड़ी शोभित पांडे, कर्मवीर सिंह, आदित्य सिंह, सुखदीप सिंह, रविंद्र, दिनेश कुमार ने कहा। मैंने बढ़िया, एक नंबर। नहीं, बस सब बढ़िया है। हरियाणा, रविंदर। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने जो मेहनत करी उसका फल मुझे मिला है। मुझे अपने पे विश्वास था कि मैं गोल्ड लूंगा और मैंने आज वो करके दिखाया। यहाँ की यूपी पुलिस ने बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट किया है, ऐसा इंडिया में एक जगह है पुणे में और दूसरा सेंटर यही है। यहाँ अगर यूपी गवर्नमेंट अच्छा इक्विपमेंट प्रोवाइड करती तो यहाँ आगे चल के इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। व्यवस्था सर बहुत बढ़िया थी, योगी सरकार के मुकाबले बहुत अच्छा कर रही है। मैं वैसे तो राजस्थान से हूँ, पर अभी पंजाब चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरा नाम दिनेश कुमार। कितने मीटर की दौड़ में आप? 2 किलोमीटर की दौड़। कैसा लगा रामगढ़ ताल? तो आप तो यहीं देवरिया के रहने वाले हैं, तो कैसा लग रहा है अभी? कितना बदलाव आ गया? बहुत ज्यादा बदलाव है, पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब नेशनल गेम वाली फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छा है। कितनी संभावनाएं रोइंग के लिए? बहुत, पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है और आगे भी इम्प्रूवमेंट होगा, ऐसा बहुत पहले से बहुत अच्छा है। योगी जी आने से पहले तो इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा हुआ है। शोभित पांडे। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला से हूँ और बहुत अच्छा लगा इधर आकर, बहुत बदलाव हुआ रोइंग करने का, अच्छा लगा इधर आकर। और बहुत इक्विपमेंट, जितने इक्विपमेंट चाहिए उतने सभी इक्विपमेंट प्रोवाइड किए, खाना वगैरह सारा कुछ बहुत बढ़िया था। बस अच्छा, कितनी संभावनाएं दिख रही हैं यहाँ पर आपको रामगढ़ ताल और वाटर कॉम्प्लेक्स की बात करें? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गया। हमारा एक मेडल 2 किलोमीटर डबल स्कल में गोल्ड मेडल है और क्वार्टर पुल स्कल में जिसमें 4 लोग बैठे उसमें हमारा ब्रॉन्ज मेडल है और बहुत बढ़िया रहा पहले से। आगे कितना फ्यूचर दिख रहा है? बहुत बहुत ज़्यादा फ्यूचर है और मैं और दोनों हम यूपी पुलिस में भी हो रखे हैं अभी इसी बार। और बस धन्यवाद कहना चाहेंगे योगी जी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आयोग किया उन्होंने, अच्छा लगा। करणवीर सिंह। एक्सप्लेन नहीं कर सकते, गोल्ड की अलग ही फीलिंग होती है, क्या ही बताएं। हाँ, बहुत खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है। मैं इससे पहले नेशनल चैंपियन रह चुका हूँ, इस बार भी नेशनल में मेरा गोल्ड आया था। इससे पहले भी, इसके एक साल पहले भी मेरा मैं लगातार 3 साल से गोल्ड मेडल आ रहा है और ये मेरा 10वां गोल्ड है यूनिवर्सिटी में। आगे क्या गोल रहेगा आपका?
आगे बस यही है कि इंटरनेशनल खेलूं, इंडिया को रिप्रेजेंट करूं। बहुत अच्छा है यहाँ का, बहुत कुछ अच्छा का पता ही है, योगी जी का शहर है, सब कुछ अच्छा ही होना है। खेलों की संभावना बहुत ज्यादा है यहाँ पे, मतलब बहुत अच्छा है यहाँ पे, फैसिलिटी दे रखी है, जितना कुछ भी किया इतने कम टाइम में, बहुत अच्छा लगा देख के। हाँ जी, अब उनके बारे में क्या ही बात करें, जितना ही बोले उनके बारे में कम है, बस एक बार वो भी आ जाते, मेडल देते तो और अच्छा लगता। मेरा आदित्य नाम है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर, गोल्ड मेडल जीत के बीइंग अ डिफेंडिंग चैंपियन, तो अपना टाइटल मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है, और हमने वो मेंटेन किया तो हमारे को बहुत अच्छा लगा। इससे पहले मैं सीनियर नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और अभी यूनिवर्सिटी में भी गोल्ड मेडलिस्ट था, अब ऑल इंडिया इधर भी गोल्ड मेडलिस्ट, आगे इंटरनेशनल खेलने की कोशिश करेंगे, अपना इंडिया से इंडिया को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। क्या सर, संभावना कितनी बनेगी इस तरह के साल में? ये बहुत बहुत अच्छी संभावना बनेगी यहाँ पे। क्या नाम है? सुखदीप सिंह। बच्चे सम्मानित हो रहे हैं, बड़ी खुशी होती है, और हमारा जो देश जो है खेलो इंडिया के तहत एक स्वस्थ दिमाग, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रहता है, इसलिए ऐसे में इस खेल की उपयोगिता बहुत बढ़ जाती है। और मैं समझता हूँ कि गोरखपुर में ये रोइंग कॉम्पिटिशन जो हो रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है, गोरखपुर का सौभाग्य है कि रोइंग कॉम्पिटिशन हमारे इस गोरखपुर को मिला। और 7-8 साल पहले कभी आपने सोचा था कि यहाँ कोई कॉम्पिटिशन हो सकता है? तो ऐसे में इस गोरखपुर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम ऐसे कार्यक्रम यहाँ आयोजित कर रहे हैं, और ये बच्चे यहाँ आकर अपने कॉम्पिटिशन में भाग लिए और ये सफल हुए। मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और उनके एक स्वर्णिम भविष्य की के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।